नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मर जाऊंगा मगर कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखकर देखिएगा। अगर इनमें से आपको एक भी बात गलत लग गई तो दोस्तों आप हमें दोबारा बोलिएगा। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके जीवन काल की तमाम परेशानियों को खत्म करने वाले हैं। बशर्ते दोस्तों आप सभी को हम बस इतना कहना चाहते हैं कि दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने में जितना हमने अपना कीमती समय दिया है उतना ही कीमती समय आप देकर आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब अच्छा बनना बंद कर दीजिए। जितना अच्छा बनोगे उतना आपके साथ बुरा होगा। जी दोस्तों, ये सभी बात समझने के लिए आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान महाकाल का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल के कष्ट आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी जातक स्वभाव से बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान होते हैं। जीवन काल में कभी भी किसी के साथ आप लोग उलझना नहीं चाहते। जहाँ भी जाते हैं अपने कार्य निकाल कर वहाँ से चले आते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में कुछ ऐसे ही अनहोनी घटनाएं होती है जो कि आपको क्रोधित होने पर भी मजबूर कर देती है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले कई सालों से आप सभी के जीवन काल में लगातार संकट समस्याएँ और परेशानियाँ ही चल रही है। और दोस्तों इन सभी का मुख्य कारण यही देखा जा रहा है कि आप जितना सभी के सामने अच्छे बनते हैं, जितना आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी भी गलत ना समझें, दोस्तों उतना ही लोग आपको गलत समझने लगते हैं, उतना ही आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं और आपकी अच्छाइयों का, आपके सिंपल रहने का, आपके साधारण होने का सब लोग फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों आपने यह बात देखा होगा, दोस्तों आपने यह बात अपने जीवन काल में जरूर देखे हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन काल में बहुत सी मुसीबत में होने के बावजूद भी हेल्प कर देते हैं, दूसरे लोगों को संकटों से बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि दोस्तों आप खुद संकट में होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की आप मदद करते हैं और दोस्तों फिर भी लोग आपको ही गलत ठहरा देते हैं। आपकी ही भावनाओं की कदर नहीं होती है उस जगह और आपको ही हर जगह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इनका अर्थ क्या है, हम आप सभी से पूछते हैं कि दोस्तों आप जितना ही सिंपल रहते हैं, जितना ही आप सबसे अच्छा रहने की प्रयास करते हैं, दोस्तों उतना ही आपका फायदा सब लोग उठाते हैं। और दोस्तों जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आखिर वही लोग आपको धोखा क्यों दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप उनकी नज़रों में खटकने लगते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें क्योंकि दोस्तों आप सभी खुश मिजाजी इंसान हैं, कभी भी अपने आप को किसी के सामने दुखी व्यक्त नहीं करते। हालांकि दोस्तों आपके जीवन काल में कितने भी दुख चल रहे हो, कितने भी समस्याएं हो, आप लोगों को कहते नहीं हैं, सभी के सामने आप मुस्कुराकर मिलते हैं। और दोस्तों यही मुस्कुराहट, यही आपका रुतबा देखकर लोगों को आपसे खटकने लगती है, यूं कहें उनके अंदर जलन का जो भावना है वह उत्पन्न होने लगता है। और दोस्तों उन्हीं ईर्ष्या की भावना से आपकी अच्छाइयों का वह फायदा उठाता है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ रहकर, आपके साथ घूमकर उन्हें आपके जीवन काल की सारी बातें पता हो जाती है कि कौन सी आपकी कमजोरी है और कौन सा चीज़ आपके लिए ताकत है। जी दोस्तों, और जब उन्हें मौका लगता है तो दोस्तों वह आपकी कमज़ोर जगह पर ही लात मारते हैं। यूं कहें तो दोस्तों जिस जगह पर आपको नुकसान ज़्यादा हो, दोस्तों वैसे ही कदम उठाते हैं, आपको हमेशा लोगों की नज़रों में नीचा गिराने का प्रयास करने लगते हैं। तो दोस्तों आखिर कब तक आप इन सभी चीज़ों को सहते रहेंगे। दोस्तों अब वक्त आ गया है, हम कहते हैं कि अपने जीवन काल में आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जी दोस्तों, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, आपने बहुत ही दिन ऐसे चीज़ों का सामना किया है, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अपने जीवन काल में आप कुछ बदलाव जरूर करें। जी दोस्तों, तभी जाकर आपको अपने जीवन काल में सफलताओं की प्राप्ति होगी, जीवन काल में आपकी मंजिल तभी जाकर मिलेगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों कौन सी वह बात है, कौन सी वह गलती है, कौन सा वह भूल है जो कि अब आपको अपने जीवन काल में बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों जीवन काल की आपसे सबसे बड़ी और पहली गलती यह होती है कि दोस्तों अंधाधुंध किसी के ऊपर आप विश्वास कर देते हैं।
दोस्तों आप दिल के जितना भी भोले होते हैं, दिल के जितने भी अच्छे इंसान होते हैं, उतना ही दिल से आप किसी के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। जी दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यही अच्छाई आपको जुनकाल में अगर नीचे गिराती है, तो दोस्तों आज से अपने जुनकाल में आप इन बातों का ध्यान रखें कि कभी भी किसी के ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जिन पर भी आपने अपने जुनकाल में आंख मूंद कर विश्वास किया है, अपने कार्यभार को उन पर छोड़ दिया है कि चलो तुम यह कार्य कर दो, आप हमारे यह कार्य कर दो, हमारा हमें आप पर विश्वास है, लेकिन दोस्तों एंड में आपको पता चलता है कि उसी जगह से काम गड़बड़ हुआ है, उसी जगह से आपको नुकसान हुआ है, तो दोस्तों दिल को आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। तो दोस्तों आज से आपको इन बातों पर ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप हो, कार्यस्थल पर हो, घर के माहौल में हो, दोस्ती रिश्तेदारी, जहां पर भी आप किसी से अटैचमेंट में हो, जिनके साथ रहते हो, दोस्तों आंख मूंद कर आप बिल्कुल भी अब भरोसा मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कलयुग का दौर चल रहा है, हर कोई इंसान स्वार्थी बन गया है, सबसे पहले वह खुद का देखता है। आप गड्ढे में चले जाए, उन्हें इनका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपको ही अब संभलना होगा। और दोस्तों जीवनकाल में आप पहला बात याद रखें कि आंख मूंद कर अपने सब कुछ किसी के ऊपर बिल्कुल भी ना छोड़ें, हर कार्यों की जांच करें, हर चीज़ में अपना आप एक हाथ जरूर रखें। और दोस्तों आपकी जीवनकाल की दूसरी जो बात है दोस्तों, वह है कि पिछले समय की जो भी बीती गई दर्दनाक यादें हैं, जो पिछले समय हुई परेशानी है, दोस्तों उन्हें आप भूलने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों पिछले समय की बातों को अगर आप अभी सोचेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में अवश्य आपको परेशानी होगी और आने वाली क्रियाकलापों के बारे में आप अच्छी तरीके से सोच नहीं पाएंगे। और दोस्तों अगर अच्छी तरीके से आप सोच नहीं पाएंगे तो दोस्तों किसी कार्यों को करने में आपको मन ही नहीं लगेगा। और दोस्तों अगर किसी कार्यों में आप 100% नहीं देंगे तो दोस्तों वह कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों पिछले समय हुई आपके जीवनकाल में जो भी गलती है उन्हें सीख समझ कर आप आगे बढ़िए। जी दोस्तों, और दोस्तों आगे अपने जीवनकाल में आपको कुछ और भी परिवर्तन करने हैं। जी दोस्तों, जो भी आप अपने जीवनकाल में कार्य कर रहे हैं, जिसके भी साथ रह रहे हैं, जो भी आपके जीवनकाल की आदत है दोस्तों, उनमें भी आपको सुधार करना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक स्वच्छ इंसान को संगत की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा यह कार्य सफल हो जाएगा, इस कार्य में हम लग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति, उनके सोच आपसे अलग है, आपके अच्छे सोच है तो उनके बुरे सोच है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बुरे सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप कितने भी अच्छे सोच क्यों ना रख ले, अगर बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में आपको गलत आदत जरूर ही लग जाएंगी, जिस चीज़ को आप नहीं भी करना चाहेंगे, उन बुरे लोगों की वजह से आप उस कार्यों में चले जाएंगे। जे दोस्तों, और बाद में आपको बहुत ज़्यादा अफसोस भी होगा। तो दोस्तों आज से अपने जीवनकाल में आप इन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों बहुत से जातकों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि बुरे लोगों के चक्कर में आप गलत आदत के शिकार हो गए और बाद में अब आप पछता रहे हैं। जे दोस्तों, अगर आप ऐसे जीवन से गुजरे हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। जे दोस्तों, और साथ ही हम जो बातें आपको बता रहे हैं या बातें सत्य है, सटीक है, तो दोस्तों जरूर हमें कमेंट करके अपने राय दीजिएगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं जीवनकाल की सबसे आखिरी अच्छी सीख के बारे में। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो बात है आपके जीवनकाल के लिए बहुत ही आवश्यक है और जीवनकाल में आपको सबसे बड़ी यह भूमिका निभाने वाली है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक इंसान को अपने जीवनकाल में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, जो कि दोस्तों आपने जीवनकाल में करते भी हैं, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष आपने जीवनकाल में कर रहे हैं, बिना संघर्ष के आपको कोई भी सफलता नहीं मिलती, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को एक बात बता दें कि जीवनकाल में आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्या वह कार्य आपके लिए सही है, जिस कार्यों में आप मेहनत कर रहे हैं क्या उस कार्यों में उतना मेहनत लगना चाहिए। जी दोस्तों, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों आज के इस बदलता युग में जितना भी आप हार्डवर्क करते हैं उतना भी आपको अब स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप शुरू बता दें कि आप अपने जीवनकाल में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके जीवन में कम से कम 1000-2000 रुपया डेली के कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहीं कोई व्यक्ति स्मार्ट वर्क करके दिन में ही लाखों के कमाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जीवनकाल में कुछ ऐसे तरीके सोचिए,
कुछ ऐसे विचार अपने मन में लाइए जो कि आप कर सकते हैं, जे दोस्तों जिनसे आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा तीव्रता से गति आएंगी, जे दोस्तों, और ऐसे ईश्वरपरक तरीके आप सभी के जीवन काल में आपको एक दिन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कितना पसंद आया है दोस्तों आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आप सभी के सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो आए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन काल में कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ जो भी बुरा वर्ता हुआ है, जो भी परेशानियों का आपने पिछले समय झेले हैं दोस्तों, अब उन सभी का वक्त धीरे धीरे हटने वाले हैं और अब आपके जो भी जलने वाले हैं, आपके जो भी शत्रु हैं उनको सजा भी मिलने वाली है। आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को नजर आ रहा है। जे दोस्तों लाभ के नए मौके मिलेंगे। आपको बता दें कि शिक्षा, संतान और करियर से संबंधी आपके जीवन काल में नए नए लाभ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि माता पिता का जो भी सेहत पिछले समय बहुत ही गड़बड़ चल रहा था दोस्तों, यश में स्वस्थ होंगे और जीवन काल में जो भी परेशानी थी, जो भी रोग दोष, जो भी बीमारियां थी दोस्तों, वह धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आने वाले 5 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुदरत का भी, भगवान शनिदेव का भी असीम आशीर्वाद रहने से आप सभी का भाग बदल जाएगा। जी दोस्तों, और भाग्य बदलने के कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में करियर के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेंगे। जीवन काल में जो भी आर्थिक तंगियां चल रही थी, पेशों को लेकर कर्ज थे दोस्तों, वे सभी समाप्त होने वाले हैं। जीवन काल में जिस कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे दोस्तों, वे सभी कार्य अब धीरे धीरे बनने वाले हैं। साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।